Good morning, children. Today we'll discuss a new topic from your grammar section, and it is conjunctions. Conjunctions means joining together. Conjunction की help से हम join करते हैं, but किनको join करते हैं और कौन से words हैं जो conjunction में आते हैं? Conjunction is a word that is used for joining together what? Sentences, words, and group of words. So it is clear from here that conjunction are the words जिनकी help से हम join करते हैं sentences, words and group of words. Conjunctions are used to write longer or complex sentences. So conjunction का use क्या है? With the help of these words we can write longer or complex sentences. क्योंकि इनकी हेल्प से इन वर्ड्स की हेल्प से हमने ज्वाइन करना है वर्ड्स को. अगर ज्वाइन करेंगे वर्ड्स को सेंटेंसेस को तो ऑब्वियसली वो लॉन्गर हो जाएगा दैन बिफोर. लेट्स रीड द एग्जांपल. नेहा विल गो टू द फेयर टुमारो. सेकंड इज अनु विल गो टू द फेयर टुमारो. सो हमने इनको कंजंक्शन की हेल्प से ज्वाइन किया है. हाउ? नेहा एंड अनु विल गो टू द फेयर टुमारो. नेहा एंड अनु जो थी वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी, बाकी सिमिलर है. तो देखो हमने इसको लॉन्गर सेंटेंस कैसे क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड. बाकी सारी सिमिलर इन्फॉर्मेशन है तो वो हमने ले ली और जो डिफरेंट है उनको एंड के साथ ज्वाइन कर दिया. एंड हेयर इज कंजंक्शन. चिल्ड्रन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. लेट्स डिस्कस इट्स फर्स्ट काइंड दैट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कंजंक्शंस दैट कैन ज्वाइन टुगेदर what words, phrases or clauses of equal importance are known as coordinate conjunctions. वो वाले words जो join करेंगे words, phrases और clauses को जो equal importance की होंगी. Equal importance means independently they can convey their own meaning. अगर उनको एक दूसरे के साथ नहीं भी join किया जाएगा तब भी वो अपना meaning convey कर पाएंगे. तो वो वाली जो क्लॉजेस सेंटेंसेस हैं वो क्या होंगे, उनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में डालेंगे कि उनको हम ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से. चिल्ड्रन हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज. व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. मीन्स ये वो वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है. जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है इट मीन्स कि वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है इंडिपेंडेंटली, उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता. एंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ अ क्लॉज. तो इसको क्लॉज का पार्ट होना पड़ता है इन ऑर्डर टू कन्वे इट्स मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग और अ सेंटेंस. इट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो इसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, इट मीन्स कि अपना मीनिंग खुद कन्वे नहीं कर पाता ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज. इट डजंट कन्वे अ कंप्लीट थॉट. चिल्ड्रन देयर आर सेवन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो. दिस कैन बी रिमेंबर्ड बाय दिस टर्म फैन बॉयज. Like fan boys में F will stand for, A will stand for and, N will stand for no, and same is the case with rest of the letters. These conjunctions join two independent clauses. Two independent clauses means equal importance के two clauses or sentences को join करता. For example, he didn't behave well. ये एक independent clause है. Why? Because it can convey its meaning independently. He was punished. This is also independent clause. So humne inko join kiya with the help of so. Let's read it. He didn't behave well, so he was punished. So aapko pata hona chahiye ki fan boys ki term mein se s stands for so. To so humne join karne ke liye use kiya to equal इक्वल इम्पॉर्टेंस की क्लॉजेज को. तो हमने ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सो यूज़ किया है. चिल्ड्रन मैनी आर टाइम्स बिफोर कंजंक्शन कॉमा का यूज़ होता है. नॉट इन ऑल बट मैनी आर टाइम्स कंजंक्शन के पहले कॉमा आता है.
नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस. आ कंजंक्शन दैट जॉइंस द सबॉर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज इज कॉल्ड अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इट मीन्स इसमें टू क्लॉजेस होंगी, एक सबॉर्डिनेट होगी. सबॉर्डिनेट मीन्स मीनिंग क्लियर है दैट उसको किसी और पे मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ेगा कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द बेबी स्माइल्ड, इट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ. शी वॉज हैप्पी मेक्स सेंस बट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग. चिल्ड्रन, देखने में ये भी आपको लगेगा ये भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट किसी ना किसी तरह से ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है, तो हमने इनको जॉइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द कंजंक्शन बिकॉज. द बेबी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी. सो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस बिकॉज इफ फॉर लेस्ट आफ्टर ऑल्दो दो सो दैट अनलेस व्हाइल एटसेट्रा. आवर थर्ड काइंड इज correlative conjunctions. Children, correlative conjunctions are always used in pairs. In conjunction में एक word नहीं आएगा, pairs means two words आएंगे, two conjunction but एक ही sentence में, and are put in different places in a sentence to join two words, phrases or clauses of equal importance. So in a way they act as coordinate conjunction. Equal importance, ये दोनों वर्ड्स आए थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, तो इन अ वे ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ही काम करते हैं. बट डिफरेंस यहाँ क्या है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो वन सिंगल वर्ड होता है कंजंक्शन, एंड कोरिलेटिव जो है वो पेयर्स में आएंगे. टू वर्ड्स वी विल जॉइन इन अ सेंटेंस एट डिफरेंट प्लेसेस दैट विल बी नोन एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. Next, let's read the examples. You can order a pizza. You can order a burger. ये दोनों independent clauses हैं और इनको हमने correlating conjunction की help से join किया है. How? You can order either a pizza or a burger. इसको आप either भी pronounce कर सकते हो, either भी, both the pronunciations are correct. दोनों वे से pronounce कर सकते हो. तो देखो हमने ईदर और टू जो हैं हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन यूज़ किए हैं, एक ही सेंटेंस में है बट डिफरेंट प्लेसेस में है. इकट्ठे नहीं कि ईदर भी यहाँ डाल दिया और भी यहीं लिख दिया, दैट विल बी इनकरेक्ट. लेट्स रीड द सेकंड एग्जांपल. राजेश इज ऑन लीव, हिज ब्रदर इज ऑल्सो ऑन लीव. सॉरी, तो हमने इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन की हेल्प से कैसे ज्वाइन किया है. बोथ राजेश एंड हिज ब्रदर आर ऑन लीव. सो बोथ एंड दीज टू वर्ड्स आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एट डिफरेंट प्लेसेस. हेयर इज अ लिस्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस. Either or, neither nor, both and, not only but also, whether or.